आज का जो हम लोगों का वीडियो है, इस वीडियो में आप लोग मेरे हाथ में वैसे देख रहे होंगे कि कुछ फिशेस दिख रही हैं, और इन फिशेस के बारे में पूरा का पूरा वीडियो होने वाला है। तो आप लोग इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ में और वीडियो के भी साथ में। तो आज का जो स्पेशली वीडियो है ये है पिकॉक ईल के ऊपर, और मेरे पास कुछ ईल फिशेस आई हुई हैं जो कि अभी पैक है। इनके बारे में पूरी केयर के हिसाब से कौन कौन सी फिशेस के साथ में रहती है, कौन सी फिश के साथ में रखना चाहिए, कौन सी फिश के साथ में नहीं रखना चाहिए, या कैसे रखना चाहिए कैसे नहीं रखना चाहिए, गर्म पानी चाहिए ठंडा पानी चाहिए, साल्ट वाटर चाहिए या हॉट वाटर चाहिए या फ्रेश वाटर चाहिए, कुछ भी पूरी एवरीथिंग आप लोगों को मैं देने की कोशिश करूँगा। बट इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं शायद आपको नहीं बता पाऊँगा, जैसे कि इनकी मतलब कि मेल फीमेल वगैरह कुछ कुछ अभी क्योंकि मेरे पास नया नया स्टॉक आया हुआ है। तो ये और मैं इन फिशेस को थोड़ा सा पकड़ने में और देखने में थोड़ा सा सांप के जैसे दिखती हैं, और थोड़ा सा ईल फिश की जितनी भी प्रजातियाँ हैं थोड़ा सा ऐसे लगता है पानी वाला जैसे सांप वाँप हो, तो थोड़ा सा इसको पकड़ने में भी डर भी लगता है। तो इसके लिए मैं इनको पकड़ पकड़ के तो आप लोगों को दिखा नहीं पाऊँगा, और छन्नी नेट वगैरह से पकड़ो तो इधर उधर स्लिप हो जाती है, बहुत तेज़ी के साथ भागती है, थोड़ा सा परेशानी का भी सामना करना पड़ता है और डर भी लगता है कि जंप करके बाहर ना चले जाए। इतनी चिकनी और लचीली हैं कि नेट में एक बार पकड़ में दोबारा पकड़ में आती नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे, ये सब सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के बेनिफिट के लिए हैं, बिकॉज इससे हम सभी लोग सीख पाएंगे कि कैसे आप लोग अच्छी फिश कीपिंग कर सकते हो, वो भी ईल फिश के साथ में। तो आप लोग जैसे कि देख सकते हैं इस फिश का नाम है पिकॉक ईल। बेसिकली इसे पिकॉक ईल शायद इसलिए बोलते होंगे क्योंकि इसके फिन हैं, आप लोग देख रहे होंगे इसके फिन में जो डिज़ाइन बने हुए हैं जो पिकॉक के बैक साइड के फिन में होते हैं, सेम डिज़ाइन ऐसे ही बना होते हैं, गोल 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 आप लोग देख सकते हो, काफ़ी ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। और ये मेरे पास करीब 10 ईल तो होंगी, और ये आप लोग इसका मुंह देख सकते हो कैसा है। इसे मैं आप लोगों को एक्वेरियम में भी डाल के दिखाऊंगा, बट एक्वेरियम में डाल के इसके लिए नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि ये एक्वेरियम में डालते साथ ही मतलब हाइड हो जाएंगी, लापता हो जाएंगी या गायब भी हो सकती हैं कुछ क्षणों के लिए नहीं, बिकॉज जो ये फिश है ये फ्रेश वाटर पर ही रहती है, साल्ट वाटर में बिल्कुल भी नहीं रहती है। और इसके साथ में ये जो सैंड वाला पानी होता है ना, सैंड इन समझ रहे हैं बालू रेता, उसमें रहना पसंद करती है। और ये रिवर की फिश होती है, रिवर मीन समझते हैं नदी में पसंद करती है, और ऐसी नदी जो बलुई होती है जिसमें बालू वगैरह होते हैं, और ये बालू वगैरह में छुपी हुई होती है। और ये बेसिकली जो होती है ना आपके इंडिया की बहुत सारी नदियों में पाई जाती है, और इसे कहा जाता है एशियन ईल, पिकॉक ईल। और ये हमारे लोगों के यहाँ की लोकल नदियों में भी ये पाई जाती है। हमारे यहाँ रीवा में खुदा एक नदी है, वहाँ मैं भी एक दो बार देखा हूँ इस तरह की मछलियों को, आप लोग भी हो सकता है कभी ना कभी देखे होंगे। बहुत सारे लोग इसे बाम भी बोलते हैं, बाम मछली के नाम से, बट ये जो भी मछली हो देखने में थोड़ा सा यूनिक और ब्यूटीफुल है। और इसे चलिए मैं एक टैंक में शिफ्ट करता हूँ और आप लोगों को उस टैंक में दिखाता हूँ। इसके लिए जो टैंक बनाना पड़ेगा वो सैंड वाला टैंक चाहिए, बिकॉज ये जितना ज़्यादा छुप के रहती हैं और हाइड होकर रहती हैं उतना ही अच्छा होता है, एकदम ना ही ठंडा पानी बर्दाश्त कर पाती हैं ना ही एकदम गर्म पानी बर्दाश्त कर पाती हैं। और इनको फीडिंग और खाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो लाइव फूड ब्लड वार्म्स हो गया आपका, और ये टेट्राबीट्स वगैरह जो बॉटम फीडर होता है वो इनको बेहतरीन लगेगा क्योंकि ये खुद भी बॉटम में रहती हैं, तो बॉटम में जब इनको चीज़ें मिलेंगी खाने के लिए तो ही इनको ज़्यादा अच्छे तरीके से खा पाएंगी। और ये ज़्यादातर कॉमन फिशेस के साथ रह भी लेती है, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होती हैं, मैं तो इन्हें मतलब ख़तरनाक होते हुए नहीं देखा कि किसी चीज़ को काटते वाटते हुए, आप लोग भी देख सकते हो। मैं इसे मतलब आप जैसे कॉमन फिशेस हो गई जैसे कि कॉर्प वगैरह हो गई, या एकदम छोटी फिश के साथ भी नहीं रखना चाहिए कि गप्पी के साथ रख दिए, जेब्रा के साथ रख दिए, मौली के बेबीज के साथ, जैसे सिंपल सी बात है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती है, ये फैक्ट बात है, झूठ नहीं है। तो आप लोग इतनी छोटी फिश के साथ इसे ना रखें बिल्कुल भी, रखें तो इसे बड़ी फिश के साथ ही रखें, तो उसमें ये ज़्यादा लंबे समय तक जी सकती हैं, उनके साथ में रहेंगी भी बड़ी मछलियों के साथ में। चलिए एक टैंक बनाते हैं इसके लिए। अभी मैंने एक टैंक रेडी किया हुआ है, इस टैंक में मैं ईल फिश को शिफ्ट करूँगा, और इस पैनलिंग में और इस टैंक में सैंड मैंने बिछाई हुई है कि वाइट सैंड है, वैसे अगर आप लोग इसे नेचुरल सैंड दे सकते हैं तो और भी बेहतर होगा आपके फिशेस के लिए भी, और डेकोरेशन में भी काफ़ी अच्छी लगती है। बट अभी नेचुरल सैंड है नहीं, इसके लिए मैं आप लोग देख सकते हो कि वाइट सैंड का यूज़ किया हुआ हूँ। अब देखते हैं इसको खोलते हैं इसी में, और देखते हैं कि ओपन होने के बाद इसमें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि इसका सरफेस की साइज हाइट कितनी है पानी का, अगर आप चाहें तो इसे कम पानी में भी रख सकते हैं, बट ये है कि
इसके साथ में सैंड जरूर होना चाहिए, क्योंकि फिशेस देखिएगा जैसे ही मैं पानी में डालूंगा तो इनका बिहेवियर कैसा होता है और इस पानी में कहाँ जाके छुपती हैं और क्या करती हैं। अभी अभी मैंने इसकी पन्नी की एयर रबड़ खोल दी है और रबड़ को ओपन करने के बाद अब मैं आप लोगों के सामने इसे ओपन करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए इस पूरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और लाइक के साथ में शेयर करेंगे तो और भी मज़ा आएगा, और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। आप लोग देख सकते हो सारी की सारी ईद्स मैंने इसमें छोड़ दी हैं और इस मील फिश जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही हैं वाइट सैंड में, लेकिन इसको वाइट सैंड इतनी पसंद आई थी नहीं आ रही। ये नेचुरल सैंड में जैसे रह वाला जो टैंक होता है वो एक बार मैंने डाली हुई थी तो उसमें फिशेज डालते साथ ही ये फिश सैंड के अंदर हाइड हो गई थी, सभी से जल्दी जल्दी छुप गई थी, बट इसमें छुप नहीं रही। इसका रीज़न ये है कि इन्हें ये कंफर्टेबल फील नहीं हो रही ये सैंड। तो मैं आप सभी लोगों से यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग ऐसी कोई फिश पालते हैं, अब मुझे तो इनका अरेंजमेंट करना पड़ेगा, नेचुरल सैंड बना लानी पड़ेगी इनके लिए, तो आप लोग इसे नेचुरल सैंड वाले में टैंक में रखें। और इनके लिए जो फिल्ट्रेशन का सिस्टम रखिए, बहुत हैवी फिल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए कि पावर फिल्टर वगैरह आप लगा दो बहुत हैवी, उसकी ज़रूरत इस पर नहीं पड़ेगी। आप इसमें नॉर्मली स्पंज फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं और नेचुरल टैंक में बिल्कुल मत डालिए, क्योंकि जो नेचुरल अमेजोनिया की सॉयल होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, हल्की होती है, तो उसमें तो जाते साथ ही गायब हो जाएंगी, छुप जाएंगी, तो आप लोगों को देख भी नहीं पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और मैं आप लोगों को इसके लिए फीडिंग के लिए बताता हूँ। इनका इम्पोर्टेड फीड होता है टेट्राबीट्स हो गया और या तो लाइव फीड्स ब्लड बम्प वगैरह कोई कीड़े वगैरह आप लोग खिलाएंगे लाइव तो ज़्यादा बेहतरीन होंगे इनके लिए। लोग चलिए एक बार दूर से देखते हैं कैसा दिख रहा है। आई थिंक आप लोगों को काफ़ी ब्यूटीफुल फिश लग रही होंगी, ब्यूटीफुल एक्वेरियम भी लग रहा होगा, बट ये थोड़ा सा अधूरा है बिकॉज ये मैंने व्यूज़ के लिए और आप लोगों के लिए इसे थोड़ा सा फास्ट रेडी कर दिया, लेकिन अभी मैं इसे कंप्लीट करूँगा आप लोगों के लिए। फिशेस कितने आराम से रह रही हैं, क्या जो मार्बल सैंड होती है वाइट वाली ये थोड़ा सा हार्ड होती है, हार्ड होने की वजह से क्या होती है कि फिशेस इसे शायद देख सकते हैं किसका किसके अंदर जा भी नहीं पा रही हैं बेचारी लोग। मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि अगर आप लोग ऐसी फिश पालें तो उसके लिए साथ ऐसा बिहेवियर बिल्कुल नहीं कीजिएगा, उसको ऐसी सैंड जरूर दीजिए जिसमें वो अच्छे तरीके से रह पाए। इसका आप मुँह भी देख सकते हो कैसा है, नेवले के जैसे थोड़ा थोड़ा। इसके लिए मुझे फिर से एक दूसरा टैंक बनाना पड़ेगा। मैं अब आप लोग ईल फिशेस को देख सकते हैं, मैंने बोला था कि मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, अभी नई नई है तो डर रही होंगी और जब डरती हैं तो सैंड के अंदर नहीं जाती। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक ईल फिश का सिर बाहर है लेकिन पूरी की पूरी फिश पानी के अंदर है। ऐसे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कई सारी ईल फिशेस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ऊपर सिर्फ आप लोगों को दिख रही होंगी 1, 2, 5 ऊपर दिख रही ना, लेकिन लगभग 5 ही नीचे हैं। एक का सिर वो देखिए आप, ये वाला, इसने भी सिर बाहर निकाला हुआ है और पूरी की पूरी इसकी बॉडी अंदर है। तो मैं इसकी कैप रिमूव करके दिखाता हूँ, आप लोग देख सकते हैं इनको सैंड कितनी ज़्यादा पसंद। तो अगर आप लोग भी ईल फिश को रखना चाहते हो तो सैंड के बिना ना रखें, और मैं ये भी सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि आप लोग इन्हें रखें तो कोशिश करें कि आप इनके साथ में कोई भी मछलियाँ रखें, सिर्फ आप इनको अकेला छोड़ दें, उससे काफ़ी ज़्यादा अपने आप को सेफ और कंफर्टेबल महसूस करेंगे, उससे इनकी लाइफ भी अच्छी रहेगी, मरेंगे भी नहीं और आपको भी अच्छा लगेगा क्योंकि जब आपके फिशेस कंफर्टेबल होंगे तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।